तो टर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से दोनों ही कंट्री में भारी नुकसान हुआ है और इसे देखते हुए भारत ने अपनी तरफ से इमीडिएट बेसिस पे अब तक 4 C-17 ग्लो मास्टर टर्की के लिए रवाना कर चुका है। वहीं सीरिया के लिए IL-76 भेजे गए हैं। टर्की के लिए भारत की तरफ से इमीडिएट लेवल पे सबसे पहले NDRF की एक टीम जिसमें 50 पर्सनल्स थे उन्हें बचाव गाड़ी के लिए भेजा गया। वहीं 2 C-17 ग्लो मास्टर में इंडियन आर्मी के पर्सनल के साथ 30 फील्ड हॉस्पिटल बेड के साथ 1 C-17 में 54 इंडियन आर्मी के पैरामेडिकल मेंबर के साथ बाकी बचे हुए राहत सामग्री को भेजा गया है। वहीं सीरिया के लिए मेडिकल असिस्टेंस और फूड की सप्लाई की गई है। इसे देखते हुए फॉरेन मिनिस्टर सर की एक कोट याद आती है, दैट वी आर इंडिया, वी आर यूनिवर्सल। जब हम वर्ल्ड को वर्ल्ड इज अ फैमिली बोलते हैं तो उसे निभाने के लिए हम सबसे आगे भी रहते हैं। डजंट मैटर कि वो हमारे खिलाफ UN में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी फर्स्ट होना चाहिए और इसीलिए वी प्राउड टू बी एन इंडियन।